आपके सामने किया सेल्टोस एसटी के, और ये डीजल के अंदर है और ये मैनुअल है और इसके अंदर आपको क्लच भी मिल जाती है। सो किस तरीके से सारी चीजें उनकी बातचीत करेंगे। क्लच मतलब दोबारा से कंपनी ने लॉन्च कर दी है, आती थी पहले, ऐसे कोई नई चीज नहीं है, पहले आती थी बीच में डिसकंटिन्यू कर दी थी, फिर से दोबारा आपको क्लच देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर डीजल इंजन के साथ। बाकी आपके सामने इसका एसटी के वेरियंट है, एक बार देख लो आपको जिस तरीके से है सारी चीजें इसके अंदर। बढ़िया व्हाइट कलर में खड़ी हुई है धूप के नीचे। और ये है इसकी प्राइसिंग, आपको बता देता हूँ, ये आपको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 13.59 लाख रुपीज, 1,60,000 के आसपास ये आपको एक शोरूम चीजें गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। उनकी बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की चाबियाँ कुछ इस तरीके की मिलती है, यहाँ पे नई वाली चाबियाँ हैं कि अगर लोगो है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे उसको लॉक करने के बटन है, अनलॉक करने के बटन है, इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा, खोलना आपको मैनुअली पड़ेगा। दूसरी भी चाबी सेम है और सेम कंट्रोल्स के साथ है, और यहाँ पे आती है फ्लिप की कुछ इस तरीके की, आप देख लो। तो ये है, अब इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये है गाड़ी की डायमेंशन वगैरह, देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। फ्रंट से अभी स्टार्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिक सेटअप है जो कि आपको बेस मॉडल में भी सेम ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इसकी पार्किंग बल्ब है, ये इसके हेलोजन बेस इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, बट ये आपको येलो लाइट ही ऑफर करेगा। अगर आपको कुछ अपग्रेड कराना है तो आप डेफिनेटली इस तरफ जा सकते हो, और अगर आपको डीजल के अंदर कुछ ऐसा चाहिए ना कि यहाँ पे एकदम खाली सा कुछ नहीं चाहिए, तो भी आप ये वेरियंट जो है ले सकते हो। अब इसके अंदर डिसेंट फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, किस तरीके से अंदर चल के बताऊंगा। नीचे साइड यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस ही फॉग लाइट्स मिल जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आ जाते हैं, शानदार यहाँ पे ग्रिल मिलती है किया का लोगो है, और ये देखो धूप में खड़ी हुई है, व्हाइट कलर क्या खिल के आ रहा सामने। नीचे से पूरी ग्रिल जो आप देख रहे हो पूरी फंक्शनल है ये, और ये चीज जो आप देख रहे हो सिल्वर पोर्शन, ये थोड़ा हर कलर के ऊपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। लोअर ट्रिम जो है एकदम मैट ब्लैक दी हुई है, क्लैडिंग वगैरह का रेशियो आप देख सकते हो बढ़िया खिल के आपको दिखेगा इस बार, क्योंकि धूप में गाड़ी मिल गई हमें। सही कुछ इस तरीके से टायर की हमें बातचीत करें तो गुड़ियर के टायर है फर्स्ट ऑफ ऑल। टायर सेक्शन जो है वो है 205/65/816। आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 190mm की आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस भी ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। बाकी ये कुछ इस तरीके के व्हील कैप्स भी आएंगे, ये बेस मॉडल में भी आते हैं अपना। यह है इसकी साइड प्रोफाइल, ये आप देख लो कुछ इस तरीके से दिखती है। जो क्लैडिंग का पार्ट है वो अच्छा रेशियो है उसका भी, अपना डोर पे जो बिडिंग्स हैं उसका रेशियो भी बढ़िया तरीके से मैच करता है अपना क्लैडिंग के साथ, तो ओवरऑल ठीक ठीक है। बाकी बॉडी ओ आर वी एम से इंडिकेटर्स के साथ हैं, ये फोल्ड हो जाते हैं हाथ से, बाकी ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं अंदर से। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, प्लेन विंडोज हैं, ये मैट ब्लैक, यहाँ पे पिलर्स आपको मिल जाते हैं, ऊपर साइड रूफ रेल्स आ जाती हैं, ग्लास एरिया जो है शानदार है गाड़ी का नो डाउट, और यहाँ पे शार्प एंटीना भी आपको मिल जाएगा, स्टॉप लैंप डिफॉगर वाइपर नहीं आएगा, कनेक्टेड से टेल लैंप्स मिलते हैं बट ये जलते नहीं है, जलता है वाला पोर्शन ही है। बाकी यहाँ पे अलग से कोई मार्क नहीं मिलता वेरिएंट वगैरह का, यहाँ पे किया का लोगो है जस्ट, और यहाँ पे आपको सेल्टोस लिख के मिलेगा, किया यहाँ पे लिख के मिलेगा, और यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगी। मेजोरिटी पार्ट जो है बम्पर का वो मैट ब्लैक है, और यहाँ पे आप देखोगे रिफ्लेक्टर है और बैकलाइट है, चार पार्किंग सेंसर्स, और अपना लेफ्ट साइड से रहेगा गाड़ी के अंदर डीजल, और इसके बम्पर की लोअर ट्रिम भी आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सिल्वर हाईलाइट के साथ ही आपको मिलेगी। और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन आपको मिल जाती है, इसे प्रेस करके आप अपना बूट जो है एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 447 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस भी ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है, मतलब कि 447 लीटर्स की। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती, और इसके अंदर अगर आपको पार्सल ट्रे लगवानी है तो उसके लिए आपको ये पूरा पैनल जो है चेंज कराना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई लेआउट्स वगैरह नहीं है। बूट लैंप आ जाता है यहाँ पे, दोनों साइड आपको बकेट्स मिल जाती है, और नीचे आपको मिलता है स्पेयर व्हील जो कि सेम टायर सेक्शन और सेम ही कंपनी का टायर है, गुड़ियर का ही टायर है, और 205/65/16 का सेम स्टील व्हील है, टूल किट वगैरह इसी के साथ है, आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से है। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं उनकी बातचीत करते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी इसकी डिलीवरी होने वाली है, फटाफट से कस्टमर आ गए हैं तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी मैं बोल के बता रहा हूँ। सो ये है इंटीरियर की लुक कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हो नीचे आपको अलग से क्लच भी दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख लो ब्लैक है सारी चीजें, यहाँ पे सब कुछ प्लास्टिक है, लेदर फैब्रिक जैसा कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सिल्वर कलर का डोर लिवर है, चारों पार विंडोज है, डाइवर साइड विंडोज है, वन टच डाउन मिलती है अपनी है, ये विंडोज के लॉक है यहाँ पे, और ये ओ आर एम्स के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स है, मतलब ये एडजस्ट हो जाएंगे, फोल्ड एंड फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे, और ये डोर्स के लॉक भी यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पीकर वगैरह भी आते हैं यहाँ पे प्लेस्ड है, और ये अपना कुछ इस तरीके से बोतल स्पेस मिल जाती है, मतलब बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, इसका प्लेट्स आते हैं यहाँ पे प्लास्टिक के बट दी हुई है, वो भी एक अच्छी चीज है। सिक्स वे मैनुअली एडजस्टेड यहाँ पे मिलती है ड्राइवर सीट, और ये फैब्रिक सीट्स हैं एयरबैग के टैग के साथ, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडल स्टार्ट वाली बटन है, लाइट लाइन डायल है, नीचे तीन पैडल्स हैं भाई, एक्सेलरेशन है, ब्रेक है, क्लच है, और यहाँ पे प्रॉपर डेड पेडल आपको मिल जाता है, बोनट खोलने के लिए यहाँ पे, फ्यूल लिड खोलने के लिए यहाँ पे दिया है। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और इंटीरियर की बातचीत करें। सो ये आप देख लो कुछ इस तरीके से है सारी चीजें, और ये मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, ये इसकी चाबी, और ये लो जी
से कुछ इस तरीके फ्लिप की आती है जो कि डलेगी यहाँ पे, और मैं इसको एक बार ऐसे ऑन कर दूंगा स्टीयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो यहाँ पे ऑन हो जाता है। सेकंड टाइम जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ सो ये देख लो कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है क्लस्टर, ये देख सकते हो बढ़िया। और अगर आप ऐसे पार्किंग वगैरह में खड़े हो, आपको जस्ट गाने वाने सुनने, तो आप एक बार चाबी घुमा के भी अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करके वो चीज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको दो बार चाबी घुमानी पड़े। और ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑन हो जाती है, ये है कुछ इस तरीके का व्यू। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो ये डिजिटल है, और अभी देख लो पीछे से धूप आ रही है और फिर भी सारी चीज़ यहाँ पे विजिबल है, तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़िया है। नंबरिंग जो है वो एक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा बचकाना से कुछ नहीं लगेगा आपको कि भाई नंबर देखने में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर कुछ भी ऐसी परेशानी आपको नहीं होगी कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। बहुत प्यारा सा ये है, यहाँ पे है डिजिटल सोबर सा ये, बाकी ये है सारी चीजें। बीच में एक छोटी सी एमआईडी जहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगे, और सारे टेम्परेचर वगैरह, ऑर्डर वगैरह, करंट ट्रिप वगैरह, इकोनॉमी वगैरह सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ जाते हैं अपने वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प्स इंडिकेटर्स कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, यहाँ पे अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, ये इस एमआईडी के कंट्रोल्स हैं। एयरबैग यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, 6 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही। इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टिल्ट का ही सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सिल्वर हाईलाइट यहाँ पे मिल जाती है जो कि अभी फिलहाल रैप की हुई है ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। राउंड स्टीयरिंग व्हील है, कोई फ्लैट बॉटम वगैरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इसके अंदर। डैशबोर्ड एक्सटेंडर थीम ब्लैक है, अभी आप देख लो धूप में खड़ी हुई, कुछ इस तरीके से विजिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट रहती है। डैशबोर्ड का व्यू कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ की बातचीत करें तो यहाँ पे अच्छा खासा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है फिजिकल नॉब्स एंड बटन्स के साथ, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ आएगा। हेडलाइट के बटन है, एसी वेंट्स हैं, ये मैनुअल एसी के कंट्रोल्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं, और ये एकदम ग्लॉसी पैनल है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो डेफिनेटली पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बाकी थोड़ा मेंटेन आप करके रखना, अच्छे लगते हैं बाकी ग्लॉसी पैनल्स। नीचे साइड थोड़ी स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है, यहाँ पे एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, एक यूएसबी पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है, और इनके अंदर आपको इल्यूमिनेशन भी मिल जाती है। स्पेस वगैरह यहाँ पे है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक अपना टिप के साथ, सिल्वर टिप के साथ, आर्मरेस्ट भी आता है जिसे आप यूज कर सकते हो, बढ़िया एकदम। और यहाँ की बातचीत करें तो अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे भी आपको ऑफर कर देता है। बाकी ये थी सारी चीजें, कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे और वहाँ क्या कंफर्ट है, क्या कंट्रोल्स है, उनकी भी बातचीत फटाफट से कर लेते हैं। बाकी यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। सो अभी चले गाड़ी की रियर सीट पे और पीछे क्या कंफर्ट है, क्या कंट्रोल्स है, उनकी बातचीत करें तो यहाँ पे भी एज इट इज सारी चीजें ब्लैक है, फैब्रिक लेदर कुछ नहीं मिलेगा, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, पार्लर कंट्रोल है, सिल्वर कलर का डोर लीवर है, और यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको कर्टन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये यहाँ पे सारी चीजें अपडेट्स यहाँ पे दी हुई है। अभी इंटीरियर की बातचीत करें सो ये देख लो कुछ इस तरीके से है, ये देख लो यहाँ पे स्पेस अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉकेट तो नहीं है, बाकी स्पेस आप देख लो कुछ इस तरीके से 5-9 के हिसाब से आगे वाली सीट एडजस्टेड है। इसी वेंट्स हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी चीज है, बाकी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे भी कोई पॉकेट नहीं है। हम तो बिल्कुल ना बराबर है, बट यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं 3 बंदों को बैठने में, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई जो है अच्छी खासी मिल जाती है आपको। यहाँ पे आगे के 2 एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलते हैं, ये तो सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड है, पीछे वाले यहाँ पे 3 सीट बेल्ट आपको मिल जाती है, 1-2-3 ग्रैब हैंडल्स हैं कुछ इस तरीके के, यहाँ पे आप देख सकते हो हुक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे पीछे आपको रीडिंग लैंप भी मिल जाता है अलग से, और यह है पीछे से कुछ ऐसा डैशबोर्ड का व्यू। बाकी अब ये गाड़ी वॉश होने जाए तो फटाफट से मैं इसका मतलब आपको एंड दिखा देता हूँ, इंजन कंपार्टमेंट की क्लिप आपको वॉशिंग की दिखाता हूँ फटाफट से। सो अभी ये लास्ट क्लिप रह गई थी, ये अभी अपना वॉशिंग के लिए आ गई थी गाड़ी, इसलिए फटाफट से यहीं पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी होनी बाकी है इसके, अभी फटाफट से कस्टमर बाहर वेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे CIDI 16V डीजल इंजन जो इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और मतलब बहुत ज्यादा लोग दीवाने हैं इसके। क्लच पहले चली गई थी तो लोगों का थोड़ा सा प्यार जो है कम हुआ इसके लिए, बाकी इस प्यार को मद्देनजर रखते हुए किया ने दोबारा इसके अंदर क्लच जो है लॉन्च कर दी। अब इंजन की स्पेसिफिकेशंस क्या वो बता देता हूँ, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 114 bhp N250 NM का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे आप मान चलो 16 से 17 माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंसुलेशन पैडिंग भी आपको मिल जाती है। बाकी ये इसके फ्लूइड्स वगैरह है, ये इसकी बैटरी प्लेसमेंट है, ये इसका फ्यूज बॉक्स वगैरह, और वीडियो की तरफ जो मैंने बाहर शूट करी है वो दिखा देता हूँ आपको। सो ये थे आपके सामने किया सेल्टोस ST के डीजल, अगर आप प्लान कर रहे हो डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। फीचर्स के मामले में ये वेरिएंट डिसेंट है, आपको डीजल इंजन मिल जाता है, क्लच मिल जाती है इसके अंदर अब दोबारा से। बाकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और ये गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है अगर कोई ओन करता है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि अगर कोई प्लान करे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो कैसे लगे बताना कमेंट्स में, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।